ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है हमारा वो डिटरमिनेंट के ऊपर होगा, और कोरोना वायरस के चक्कर में मैं अपने स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि बच्चे इसका घर पे बैठ के अच्छे से इसको एंजॉय करें। वीडियो को काफ़ी आसान टॉपिक है। देखिए, डिटरमिनेंट क्या है। देखिए, डिटरमिनेंट पहली बात तो कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली। पहली चीज आप ये नोट करेंगे। अब ये देखिएगा, डिटरमिनेंट किस भला का नाम है भाई। देखते हैं, बेसिकली है क्या डिटरमिनेंट। इज ए नंबर एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। आप ऐसे समझ सकते हैं, डिटरमिनेंट जैसे मान लीजिए, अब नोटेशन क्या फॉलो करेंगे, इफ ए इज एनी, से सपोज मैं पहले 3x3 मैट्रिक्स ले रहा हूं, कहते देन इट्स डिटरमिनेंट is denoted by these are two vertical or not modulus is a symbol for। और कई बार हम इसको ऐसे डेल्टा भी लिख देते हैं या डिटरमिनेंट ऑफ डेट ए भी लिख देते हैं। हम पहले इसको हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 से स्टार्ट करेंगे। अगर ए कोई 2x2 मैट्रिक्स ऐसे है 1 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट हम ऐसे एक वर्टिकल लाइन ली और यहां पर भी वर्टिकल लाइन, ये डिटरमिनेंट का नोटेशन हो गया। अब कैसे आएगा, डायगोनल को मल्टीप्लाई किया 1 × 4 4, और जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो विद माइनस, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट -6, तो डिटरमिनेंट आया -2। देखिए, अगर ये मोड होता तो नेगेटिव नहीं आता, तो ये खाली एक नोटेशन है टू वर्टिकल लाइन्स। आप इन जनरल कह सकते हैं, अगर ए कोई 2x2 मैट्रिक्स ऐसे है ए बी सी डी, तो इसका डिटरमिनेंट आता है ए डी माइनस बी सी। अब सवाल उठता है कि ये यही क्यों आता है। 3x3 पे जाने से पहले यहां हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि है कोफैक्टर्स एंड माइनर्स या माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये माइनर बिलो 18 नहीं है, पहले तो भाई आप बात समझ लीजिएगा। या माइनर का मतलब क्या है पहले समझ लीजिएगा। इसके लिए नोटेशन यूज करेंगे MIJ। ये क्या है, इट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय removing ith row and jth column from the given matrix, the given square matrix। okay, एक बात और आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, अगर आपके पास ए कोई 1x1 मैट्रिक्स है ऐसे, तो उसका डिटरमिनेंट वही आएगा ए। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, अभी हमने मैट्रिक्स ली थी, चलो 2x2 पे पहले सर्च कर रहे 1 2 3 4,
इसके चार एलिमेंट हैं, तो इसके चार माइनर आएंगे M11, तो कैसे आएगा, डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कितना आ गया 4। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आ गया, ये सारे इसके माइनर आए। अब टर्म आती है कोफैक्टर। हम कोफैक्टर को सीआईजे से डिनोट करेंगे, और जो कि होता -1 की पावर i+j इंटू mij। डेफिनेशन ये कह सकते हैं कोफैक्टर की, कोफैक्टर इज ए माइनर विद एप्रोप्रिएट साइन। ओके, तो बेसिकली अगर आप ऊपर वाले कंटेक्स्ट में देखेंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा, -1 की पावर इवन नंबर 1 आता है, -1 की पावर ओड नंबर -1 आता है। तो ऊपर वाले कंटेक्स्ट में हमने M11 और ये सब निकाला है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा ये सीआईजे का मतलब है सम ऑफ द सबस्क्रिप्ट। ऊपर वाले एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं, a=1, 2, 3, 4, सारे कोफैक्टर निकालेंगे। C11 डेफिनेशन कहती है -1 की पावर दोनों सबस्क्रिप्ट का योग क्या आएगा, यानी सम 2, डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना आ गया 4, तो ये हमारे पास आया 4। तो एक बात का ध्यान रखना, जब ये सम ओड आएगा तो माइनस आ जाएगा, जैसे C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो -1 की पावर 3 आएगा, और ये 3 आएगा तो आपके पास आ गया -3। आप निकालिए अब C21, ये भी -1 की पावर 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आ गया -2। C22 निकाल लीजिए की पावर 4, तो आपके पास आ गया सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, दैट इज 1। अब आपको यहां एक ट्रिक समझाते हैं, हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना चाह रहे हैं, एलिमेंट लिख लीजिए 1, 2, 3, 4। अब आप एक काम करिएगा, यहां हर एक एलिमेंट के ऊपर उसका कोफैक्टर लिख लीजिए, इसका कोफैक्टर है 4, इसका कोफैक्टर है -3, इसका कोफैक्टर कितना है जरा बताना -2, और इसका कोफैक्टर कितना है 1। अब आप एक बात का और ध्यान दीजिएगा जरा, मैं क्या कर रहा हूं, पहली रो में ये रो 1 है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे अर्थात 1 का प्रोडक्ट 4 के साथ 4, और 2 का प्रोडक्ट इसके साथ कितना आएगा -6, आपने देखा -2 आया। सिमिलरली रो 2 पे करिए -6 + 4, ये भी -2 आया। सिमिलरली आप कॉलम में करिए, अब कॉलम में अगर आप यहां करेंगे तो 4 - 6, ये भी -2 आया, यहां करिए -6 + 4 - 2। तो ये बेसिकली नंबर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से हम डिटरमिनेंट की एक डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ऐसे है a11 a12 a21 a22, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, यू पिक एनी रो और कॉलम ऑफ योर ओन चॉइस। हम क्या करेंगे, रो 1 ले लिया तो उसके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिमिलरली a21 c21 a22 c22, सिमिलरली यू कैन एक्सटेंड इट a11 c11 a21 c21। ये सारा हमने रो वाइज किया है,
ये कॉलम वाइज कर रहे हैं, ए वन टू सी वन टू, ए टू टू सी टू टू, ये हमने कॉलम वाइज किया। इसी में एक ऑब्जर्वेशन और करिए, व्हाट यू विल फाइंड, अगर इन को फैक्टर्स को मैं यहां मल्टीप्लाई करूं, यानी सेकंड रो के फर्स्ट रो से करें, तो देखिए आपके पास क्या आता है, ये आता है माइनस टू प्लस टू, ये हमेशा जीरो आएगा। इसी तरीके से ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में कीजिए, माइनस एट सॉरी ट्वेल्व आएगा, सॉरी यहां करेंगे हम इसमें, तो ट्वेल्व और ये इसके साथ किया तो माइनस ट्वेल्व, ये हमेशा जीरो आएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं इफ सी वन वन मल्टीप्लाइड विद ए टू वन एंड सी वन टू मल्टीप्लाइड विद ए टू टू, देन इट इज जीरो। इसी डेफिनेशन का हम एक्सटेंशन करेंगे थ्री बाई थ्री पे, जरा गौर फरमाइएगा, थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स, कोई भी थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स अगर हम लेंगे ए, सपोज करिए ऐसे ले लेते हैं ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ले लिया। तो यहां पर भी डिटरमिनेंट का अर्थ वही होगा, कोई भी रो या कॉलम अपने चॉइस का ले लीजिए, ए वन वन सी वन वन, ए वन टू सी वन टू, ए वन थ्री सी वन थ्री, लाइक दिस। यहां पर सीआईजेज आर कोफैक्टर, सीआईजेज आर कोफैक्टर्स। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। सपोज करिए ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, माइनस वन टू थ्री जीरो थ्री फाइव माइनस सिक्स माइनस टू एंड माइनस थ्री। पहले हम यहां सारे को फैक्टर निकालेंगे, सी वन वन, देखिए मैं एक निकाल रहा हूं, बाकी उसी तरीके से देख लीजिएगा, टू डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यू विल बी हैविंग थ्री फाइव माइनस टू माइनस थ्री, तो हमारे पास माइनस नाइन प्लस टेन, इसका वैल्यू आया वन, सी वन टू, तो अब यहां देखेंगे ये आएगा माइनस वन की पावर थ्री, डिलीटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस साइन बाहर रहेगा, जीरो और यहां प्लस थर्टी माइनस थर्टी। सिमिलरली वी कैन फाइंड सी वन थ्री, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जीरो प्लस एटीन, कितना आ गया, एटीन आ गया। Similarly, what you will find here, I'm going to find all other cofactors also, but in the shortcut manner, C21, जो कि आएगा आपका second row, first column, that is minus, एक तो odd sign की वजह से, that is two minus two, three माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन आउटसाइड, माइनस सिक्स प्लस सिक्स, जीरो। सी टू टू माइनस वन की पावर फोर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस वन माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सिक्स, थ्री एंड माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू थ्री प्लस एटीन ट्वेंटी वन,
सी टू थ्री माइनस वन टू द पावर फाइव, सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस वन टू माइनस सिक्स माइनस टू, दैट इज नथिंग बट टू प्लस ट्वेल्व माइनस फोर्टीन। सिमिलरली मैं यहां पर आपके सामने निकाल रहा हूं सी थ्री वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन की पावर फोर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब हो गया टू थ्री थ्री फाइव, दैट इज टेन माइनस नाइन दैट इज वन। सी थ्री टू माइनस वन की पावर फाइव, थर्ड रो सेकंड कॉलम जीरो माइनस वन, एक मिनट देखिएगा जरा, यहां था थर्ड रो सेकंड कॉलम दैट इज माइनस वन जीरो एंड थ्री फाइव, तो माइनस फाइव माइनस जीरो फाइव आ गया। सी थ्री थ्री थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस वन थ्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम का मतलब आएगा यहां मैं निकाल रहा हूं माइनस वन की पावर सिक्स, थर्ड रो थर्ड कॉलम वेयर इट इज माइनस वन जीरो एंड टू थ्री, दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब आपने देखा कि हमने सारे कोफैक्टर निकाल लिया, तो वही तरीका जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, हर एक एलिमेंट के ऊपर आप उसका कोफैक्टर लिख लीजिए कोरस्पोंडिंग। इसके ऊपर हमने लिखा वन, इसके ऊपर हमने लिखा माइनस थर्टी, इसके ऊपर लिखा 18। जरा पहली रो से ऑपरेट कीजिए क्या आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए वन सॉरी माइनस वन माइनस सिक्सटी एंड 51, सो व्हाट यू आर ऑब्टेनिंग माइनस 10। अब और देखिएगा जरा ध्यान से, सपोज अब मैं सेकंड रो की बात बारी आ रही है, इसके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर क्या है जीरो, थ्री के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर क्या है टू, और अगर आप देखें इसके कोरस्पोंडिंग इट इज 21, ओके एंड इसके कोरस्पोंडिंग आपका क्या है माइनस 14, माइनस वन माइनस 60, ओके प्लीज इट इज 54, आई एम मिस्टेकन, इट इज 54 हियर बिकॉज 18 थ्री इज 54, सो हमारे पास यहाँ कितना आएगा 61 और ये जाएगा तो हमारे पास माइनस 7 आएगा। हमने यहाँ से देखिए क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए आप, अब मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ सेकंड रो में तो 0 और फिर आएगा 63 देन माइनस 70 एंड अगेन यू आर ऑब्टेनिंग माइनस 7, सो यू कैन वेरीफाई लाइक दिस। तो अब मैं 3x3 का एक बिल्कुल सीधा तरीका बता रहा हूं, 3x3 डिटरमिनेंट अब कैसे सोल्व करेंगे।
देखिए आपके पास कोई भी 3x3 मैट्रिक्स कुछ ऐसे आएगी, A11, A12, A13, A21, A23, सॉरी A22, A23 और इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, A13 एंड A31, A32, A33। तो देखिए यहाँ साइन कन्वेंशन देख लीजिएगा, ये सम इवन है तो प्लस, ये ओड है तो माइनस, प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, ये सारे क्या है साइन ऑफ कोफैक्टर्स। अब मैं आपको यहां से कोई भी 3x3 मैट्रिक्स, सपोज मेरे पास कोई भी 3x3 मैट्रिक्स ऐसे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, माय क्वेश्चन इज इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट। तो आप कोफैक्टर के साइन लगाइए, प्लस माइनस प्लस, ए के ऊपर प्लस लगाया तो ए, अब ए जिस रो का सदस्य है, डिलीटिंग दैट रो एंड दैट कॉलम, ई एफ एच आई। बी पे आइए, माइनस बी, तो बी जिस रो और कॉलम का मेंबर उसको डिलीट कर दीजिए, क्या दिखेगा आपको, डी एफ आई जी। फिर प्लस सी, इसी तरीके से जिस रो और कॉलम का सदस्य है सी, उसको आप डिलीट कर दीजिए, तो डी ई जी एच। ये 2x2 डिटरमिनेंट्स हैं जो कि आ जाएंगे ई आई माइनस एच एफ, ये आ जाएगा डी आई माइनस जी एफ, प्लस सी डी एच माइनस जी ई। एग्जाम्पल के तौर पर आप और ले लीजिए कोई भी 3x3, सपोज आपसे कह दिया जाए कि इवेल्युएट दिस, 1 - 1 - 2 - 3 - 0 - 7 - 1 - 2 - 1। तरीका क्या है, वही प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 क्योंकि उसके ऊपर है, डिलीटिंग जिस रो और कॉलम का सदस्य डिलीट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर भी इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, तो 3 - 7 - 1 - 1, देन प्लस 2, ये देखिए 3 - 0 - 1 - 2। अगर आप अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आता है 0 - 14 प्लस 3 - 7 प्लस 2 times of 6 - 0 विच इज इक्वल टू -14 - 4 + 12। तो हमारे पास आ गया -18 प्लस 12 जो कि आ गया -6। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और, सपोज मेरे पास ऐसे कोई डिटरमिनेंट है 1 - 0 - 0 - 7 - 8 - 9 - 1 - 2 - 3। अभी आपने कहा, हमने देखा था हम क्या कर सकते हैं डिटरमिनेंट को किसी भी रो और कॉलम से, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना, तो हम किसी से भी कर सकते हैं। तो यहां ऑलवेज प्रेफर टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट through that row or column which contains maximum zero. आप नोटिस करना, ये पोजीशन हमारी थी 1-1 वाली, ये 2-1 वाली, ये 3-1 वाली, तो साइन क्या आएंगे कोफैक्टर के, प्लस माइनस प्लस। खोल दो, पहले प्लस वन,
हम कॉलम से कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम वन, मैं आपके सामने लिख रहा हूं एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम वन। तो कैसे करेंगे, प्लस वन, तो डिलीटिंग दिस रो एंड दिस कॉलम, व्हाट यू लेफ्ट 8, 2, 9, 3। अब आगे इस पे आप आएंगे तो जरा ध्यान से देखना, ये तो हमने पोजीशन लिखी थी A21, A11, A माइनस टाइम्स ऑफ जीरो इंटू, कुछ भी करूंगा जीरो, मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस फिर जीरो इंटू करूंगा तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ यही नंबर हमें दे देगा। तो हमारे पास आ गया 24 माइनस 18, तो हमारे पास ये कितना आ गया +6। तो आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, मैं अब आपको एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास डिटरमिनेंट ऐसा होता 1, 2, 3, 4, 0, 0, 7, 8, 9, देखिए किस रो में मैक्सिमम जीरोज और है इसमें, तो हमने इसको अंडरलाइन किया, तो हम कॉलम रो टू से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड थ्रू आर टू। अब आप पोजीशनिंग देखेंगे माइनस प्लस माइनस, तो जिस पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है वही आंसर देगा, तो फोर की पोजीशन देखिए क्या है, माइनस फोर लगा दिया, और जिस रो और कॉलम का सदस्य है उसको डिलीट कर दीजिए, क्या दिख रहा है 2, 3, 8, 9, तो माइनस फोर इंटू 18 माइनस 24, यहां से हमारे पास आ गया माइनस फोर इंटू माइनस 6, यानी कि 24 इसका डिटरमिनेंट आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, हमने माइनर को फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, बेसिकली डिटरमिनेंट आप माइनर और को फैक्टर से ही निकाल सकते हैं। तो अब मैं डिटरमिनेंट की एक और डेफिनेशन यहां देना चाहूंगा, डिटरमिनेंट बेसिकली है क्या, एक फंक्शन है और जिसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, और कहां मैप हो जाता है, रियल नंबर्स पर। तो ये डिटरमिनेंट की एक और है, मैट्रिक्स इसके अंदर इनपुट में आएंगी, तो मतलब आप कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन। सो आई एम गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट नाउ, यू कैन से दैट डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन, कैसे, ये जो डिटरमिनेंट का ऑपरेशन है, यहां सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ले लेंगे और वहां कहां चला जाएगा, रियल नंबर्स पर। जैसे आपने देखा होगा डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स में लिखा 1, 2, 3, 4, सोल्व होके आपको दे देता 4 माइनस 6, देखा -2, एक नंबर मिल गया। सो दिस इज द डेफिनेशन दैट यू हैव टू अप्लाई। तो अब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए इस तरीके से। हम अब जैसे मैंने यहाँ कॉन्टेक्स्ट लिखा था, आप कोई भी रो ले लीजिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, सपोज जैसे रो वन से हमने लिखा था तो हमने रो वन वाला एक्सपेंशन यहाँ लिख दिया था, अगर आप रो टू से करेंगे तो एक्सपेंशन आप ऐसे लिख देंगे A21 C21 कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, A22 C22 प्लस A23 C23 लाइक दिस। सिमिलरली रो थ्री से करेंगे या कॉलम, जो भी आप रो या कॉलम किसी से भी कर सकते हैं, 1C31 A32 C32 प्लस A33 C33 लाइक दिस। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टूडेंट्स, सो नाउ फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड वेरियस डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 इवन 2/2। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो।